सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? यार उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई भी इस तरह का मोबाइल है, ये ओप्पो का मोबाइल है, ठीक है, तो उसमें से अगर कॉन्टेक्ट हम लोगों को क्या करना है, कॉन्टेक्ट निकाल के रखना है, मतलब शेयर करना है, मतलब कॉन्टेक्ट गूगल आईडी में डालना है, फ़ोन में है, क्योंकि मोबाइल में फॉर्मेट करने वाला हूँ, तो इसके कॉन्टेक्ट मेरे को सेफ़ रखने हैं। तो कॉन्टैक्ट सेफ रखने के लिए पहले मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट में जाके दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। सो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कॉन्टैक्ट के अंदर, तो यहाँ पर मेरे पास लगभग 42, इसके पास अभी कम ही कॉन्टैक्ट है, लेकिन इन सबको हमको करना है सेव। तो आप लोगों को करना क्या है, ये ओप्पो वीवो जो मोबाइल होते हैं उनमें सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है, मोबाइल की सेटिंग के अंदर। सो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग्स के अंदर, और मोबाइल की सेटिंग के अंदर आ जाना है, और बाद में नीचे आप लोग जैसे जाओगे तो यहाँ पे देख लीजिए, कॉल कॉल के बाद कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करना है, और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट टू स्टोरेज डिवाइस, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे कर देना है क्लिक ऑल कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो नाम रखना है, चलो मैं ए रख देता हूँ, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमारा कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे सेंड करके सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमको करना है इसको गूगल आईडी पे। सो ये तो हो चुका है, अभी हम लोगों को फिर से ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट और इम्पोर्ट फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, और स्कैनिंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को डालना है गूगल आईडी में, तो हम लोग इसमें डाल देते हैं गूगल में, और यहाँ पर जो अभी ये सेव किया था, ठीक है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे नाम आता है इम्पोर्ट, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे सारे के सारे इंपोर्टिंग हो रहे हैं, और ठीक है। तो अभी डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट बता रहा है, तो हम लोगों को इसको कुछ नहीं करना है, एक बार कैंसिल कर देना क्योंकि मोबाइल फॉर्मेट कर रहे हैं। सो अभी देखता हूँ कि हमारे कॉन्टैक्ट आए कि नहीं आए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ फिर से, और सॉफ्टवेयर अकाउंट में नहीं, कॉन्टैक्ट जीरा, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकती है कि गूगल की जो आईडी है ना, इसमें ये देख लीजिए 41 कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं, और ये देख लीजिए पूरे 41 है, और ऑल टोटल ये इतने इस तरह बता रहा है क्योंकि जब व्हाट्सएप हम चलाते हैं तो डबल कॉन्टैक्ट दिखाता है, यहाँ व्हाट्सएप का अलग दिखाता है और ये अलग दिखाता है, देख लीजिए व्हाट्सएप बिजनेस का अलग दिखाता है, हालांकि ये सारे यही कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये 41 कॉन्टैक्ट हमारे इस आईडी में आ चुके हैं। सो बस यही था आज के वीडियो में, अब हम लोग कहीं पर ये आईडी डालेंगे तो ये कॉन्टैक्ट उसमें आ जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।